नमस्कार, मैं रश्मि। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। रामपुर की तहसील स्वार के उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सभी पदाधिकारियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन कर नायब तहसीलदार द्वारा प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। स्वार के उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सभी पदाधिकारियों ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंप प्रधानमंत्री को भेजा है। ज्ञापन में कहा है कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती अंधाधुंध कीमतों पर अंकुश लगाया जाए। महंगाई के ऊपर ज्ञापन दिया है। यहाँ पे धर-धर हो चुका है। आम नागरिक भी और व्यापारी भी बहुत परेशान है। शोषण हुआ, कारोबार में जान नहीं है। और यहाँ महंगाई को देखते हुए जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं, पेट्रोल और गैस, उसके दाम अधिकतर रोज़ बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है SDM महोदय के द्वारा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये ज्ञापन। इसमें हमारे सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और ये जो ज्ञापन दिया गया है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम और खाने पीने की सारी चीज़ों के खिलाफ ये ज्ञापन दिया गया है। महंगाई चरम पे है। डीजल पेट्रोल का दाम कहीं रुकने को तैयार नहीं है। चंद लोगों के फायदे की वजह से पूरा देश पिछड़िया है, पूरे देश को कुचल कर रख दिया है। और डीजल पेट्रोल पता नहीं 200 रुपये पर रुकेगा, जाके 300 रुपये पर रुकेगा, हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमारे क्षेत्र के जितने भी किसान भाई हैं उनका भी इतना उत्पीड़न हो गया कि अभी उनकी धान की फसल है, एक तो जितना पूंजी थी वो धान को पालने में उन्होंने ख़त्म कर दी, उसके बाद बाढ़ आ गई, बचा कुचा जो है बाढ़ ले गई साथ में। अब अगली फसल बोने के लिए, उसको रेडी करने के लिए किसान इस स्थिति में नहीं है कि अपनी फसल बो सके और तैयार कर सके। आज हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उनको दिया है, क्योंकि महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। रसोई के गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि आम आदमी कमर टूट चुकी है। उनके अपना घर चलाने में इतनी परेशानी पड़ रही है। रसोई का बजट भी खराब हो गया, क्योंकि दाल, चीनी, आटा, जितने भी खाने के पीने के प्रोडक्ट है वो सब महंगे हो गए हैं। अगर इसी तरीके से अगर चलता रहेगा तो आम आदमी, आम व्यापारी बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। उनका व्यापार ठप हो चुका है कोरोना काल में। अगर इस तरीके से महंगाई रहेगी तो पूरी तरह से देश खत्म हो चुका है और हो जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करूँगा कि वो महंगाई को कम करें और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेकर पूरी तरह से समाप्त कर दें महंगाई को। डीजल, पेट्रोल के दाम भी